तेज बारिश के चलते तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी में बुधवार को स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। वहीं भारी बारिश के चलते मद्रास हाईकोर्ट की चेन्नई बेंच ने बुधवार को अवकाश घोषित कर दिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात करने का निर्देश दिया है। वहीं महानगर चेन्नई नगर निगम ने कहा कि वो नालों में भर गया पानी निकाल रहा है और इसके साथ ही चेन्नई नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उधर कर्नाटक में मंगलवार सुबह से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक रही। राजधानी बेंगलुरु समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी भर गया। बेंगलुरु में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल के साथ साथ गोवा, बिहार में बारिश का अनुमान भी जताया है। देश के बाकी राज्यों में तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि मंगलवार को सुबह तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग के मध्य भाग में एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। पश्चिम, उत्तर पश्चिम और बढ़ते हुए उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने की आशंका है। इसके चलते चेन्नई, तिरुवल्लूर और राज्य के अन्य हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बाढ़ से बचने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने 198 रिलीफ सेंटर बनाए हैं, जिनमें से 36 सेंटर में लोग रह रहे हैं।